नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से हुई बाहर। फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से होना पड़ा बाहर। फैसला सुनकर विनेश की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान में हुआ भयंकर हादसा। निवाहेड़ा चित्तौड़गढ़ फोर लेन हाईवे पर कंटेनर ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचला, मौके पर हुई 5 लोगों की मौत। नरेंद्र मोदी सरकार कल लोकसभा में पेश करेगी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई का कहना कि बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। नेपाल में हुआ बड़ा हादसा। काठमांडू के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, जिसमें 4 चीनी नागरिक बताए जा रहे। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अवैध घुसपैठ रोकने के लिए मणिपुर और मेघालय के कुछ जिलों में लगा कर्फ्यू। मणिपुर सरकार के मुताबिक फेरजावल और जीरीबाम जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने और सुरक्षा को मजबूत करने का दिया निर्देश। बांग्लादेश से यात्रियों को लेकर फ्लाइट पहुंची नई दिल्ली। यात्रियों ने कहा बांग्लादेश में स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रही। यूपी में गंगा यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर, तो वहीं राजस्थान में बाढ़ के हालात। घरों में घुसा 5 फीट पानी। 10 राज्यों में अलर्ट जारी। वहीं सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। गोल्ड 276 रुपए गिरकर 68,906 पर आया, तो वहीं चांदी 79,145 रुपए प्रति किलो बिक रही। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 79,468 पर बंद। निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने महिलाओं को खुश करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल जींद में तीज उत्सव के अवसर पर हरियाणा में सैनी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। इस दौरान सीएम ने हरियाणा में 500 रुपए प्रति सिलेंडर देने का ऐलान किया। सीएम सैनी ने कहा कि सूबे में 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को सरकार की इस योजना का फायदा मिलेगा। बताते चले कि जींद में नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय तीज उत्सव में शामिल हुए थे और यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए पीएम मोदी बड़ा काम कर रहे हैं और ऐसे में अब हरियाणा में इस योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक मुकाबले से बाहर हो गई हैं। दरअसल विनेश फोगाट 500 किलो वेट कैटेगरी में खेल रही थी। दरअसल आपको ये भी बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक मुकाबले से डिस्क्वालीफाइड होने पर हरियाणा के लोग सदमे में हैं। फोगाट न केवल फाइनल से बाहर हुई हैं, बल्कि मेडल से भी चूक गई हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की। भगवंत मान ने कहा कि 150 ग्राम के तो बाल ही होते हैं, वही कटवा देते। साथ ही कहा कि कोच और फिजियोथेरेपिस्ट लाखों रुपए लेते हैं, क्या वो वहां छुट्टियां मनाने गए थे? जानकारी के अनुसार विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबले से 50 ग्राम वजन को कायम नहीं रख सकी। फोगाट के ओलंपिक मुकाबले से बाहर होने की सूचना आने के बाद ही हर कोई विरोध जता रहा है। जहां विनेश गोल्ड की दौड़ से बाहर होने की सूचना मिलते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई, तो दूसरी ओर रेसलर विनेश का ओलंपिक से बाहर होने का फैसला सुनकर विनेश की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद फोगाट को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा निकाली जा रही हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा को लेकर तीखा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा कि बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बनने पर हम उनसे हिसाब मांगेंगे नहीं बल्कि करेंगे, और ऐसा हिसाब करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने 20 साल प्रदेश को लूटने का काम किया है, इसके साथ ही भाजपा का हिसाब भी किया जाएगा। दरअसल वे मंगलवार को गोहाना की अनाज मंडी में बसपा इनेलो के सोनीपत लोकसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा ने 10 साल में लोगों को सड़कों पर खड़े करके लड़ने के लिए मजबूर किया,
जाट आरक्षण आंदोलन, संत रामपाल के डेरे पर चढ़ाई करना, पंचकुला में डेरा प्रमुख के समर्थकों को मारने, किसान आंदोलन में किसानों की कुर्बानी लेने का पूरा हिसाब किया जाएगा। साथ ही अभय ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बसपा इनेलो की सरकार बनने पर बुजुर्गों को 7,500 रुपये पेंशन, हर घर में सरकारी नौकरी, और जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी उनको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, हर घर में मुफ्त गैस सिलेंडर, महिलाओं को रसोई खर्च के 1,100 रुपये, स्कूल व कॉलेज शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से मुफ्त होंगी। हरियाणा राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल 3 सितंबर 2024 को राज्यसभा सीट के लिए मतदान होगा। वहीं भारत चुनाव आयोग की तरफ से देश के 9 राज्यों में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि इसके तहत हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए सितंबर का चुनाव होगा। साथ में ये भी बताते चले कि इस संबंध में 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए नामांकन 21 अगस्त तक किया जा सकता है। 22 अगस्त को प्रत्याशियों के नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी। 27 अगस्त को नामांकन वापस लेने की तारीख तय की जाएगी। वहीं 3 सितंबर को राज्यसभा सीट के लिए मतदान होगा। इसके लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। उसी दिन 5 बजे के बाद मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।